हेलो फ्रेंड्स, स्वाद अचना में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए छल्ली की रेसिपी लेकर के आई हूँ। ये छल्ली बारिश के दिनों में दिल्ली में सभी लोग बहुत पसंद करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं छल्ली बनाना। ये मैंने दो छल्ली लिए हुए हैं और ये आधा चम्मच जीरा पाउडर है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, आधा चम्मच चाट मसाला है और आधा चम्मच काला नमक है, आधा चम्मच ही सफ़ेद नमक है और ये आधा नींबू लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये छल्ली को छील लेंगे। इसे कुछ लोग भुट्टे के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन बटन अवश्य दबाएं, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूंगी वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए, ये सारे छिल चुके हैं, अब इनके रेसे भी हम निकाल देंगे। तो अब ये दोनों को हम पीछे की तरफ से इसकी डंडी तोड़ देंगे। अब इसको बीच से भी हम दो हिस्से कर देंगे, क्योंकि इनको हमें बॉईल करना है। ये इतने बड़े हैं, कुकर में नहीं आ पाएंगे। अब हम एक कुकर लेंगे और इस कुकर में इन छल्ली को डाल देंगे। और छल्ली डालने के बाद इसमें हम पानी डाल देंगे, यही लगभग 2 गिलास होगा। पानी हमें इतना डालना है कि ये छल्ली इसमें डूब जाए और ऊपर से नमक डाल देंगे आधा चम्मच और एक चुटकी हल्दी डाल देंगे। हल्दी ऑप्शनल है, ये मैंने कलर के लिए डाला है। अब हम कुकर को बंद कर देंगे और इसको हम गैस में चढ़ा देंगे। इसमें हम 6 से 7 सीटी दिलाएंगे। तो अब देखिए, सीटी आ चुकी है, 6 से 7 सीटी इसमें आ चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने का वेट करेंगे। तो अब ये ठंडा हो चुका है, इसको हम खोल के देख लेते हैं। ये देखिए, छल्ली अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अब इनको हम एक एक करके हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब इनको हम थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब ये ठंडे हो चुके हैं, तो अब इसको हम क्या करेंगे कि ये सारे मसाले जो मैंने लिए थे सबको आपस में मिक्स कर देंगे। और ये नींबू मसाले में लगा करके इनको हम छल्ली में लगा देंगे, जिससे कि नींबू और मसाले इसमें अच्छी तरीके से लग जाए। तो चारों तरफ हमें घुमा घुमा करके ये मसाले लगा देने हैं इस छल्ली में। इसी तरीके से हम सारी छल्ली में लगा देंगे मसाले। अब इसमें ऊपर से हम थोड़ा सा चिली पाउडर डाल देंगे और चाट मसाला डाल देंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली पाउडर मत डालिए। और ऊपर से थोड़ा सा नींबू निचोड़ देंगे। और थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे। तो लीजिए, तैयार है ये छल्ली। बारिश के मौसम में आप इसको एंजॉय कीजिए। मैं मिलती हूँ अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।